नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पैशन और फिर आ चुके हैं एक और नया रिएक्शन और वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस देखा होगा कि भैया अभी कमेंट सेक्शन में जो सजेशन आ रहे हैं उन पर रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो भैया ये भी गाना एक कमेंट सेक्शन में सजेशन आया था कि भैया हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि भैया इस गाने को रिएक्ट करो, और ये गाना है सुनको सुन रहे, ठीक है, जो कि संबलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री है। संबलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री भैया मतलब परफेक्टली बैलेंस म्यूजिक इंडस्ट्री, मैं तो फैन हूँ इनका, ठीक है। तो चलो देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते हैं ये गाना कैसा कैसा, इसका लिरिक्स कैसा, इसका म्यूजिक और कैसी रहती है वाइब। तो चलो शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा, 3-2-1 चलो भैया शुरू किया जाए। तो मेरे लोग कान लगा के हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं सुनको सुन रहे, जो कि संबलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री से आया है। मतलब अभी जितने भी कमेंट आ रहे हैं, जो भी कमेंट पे डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये गाने को रिएक्ट करो, ये गाने को रिएक्ट करो, तो भैया वही गाने पे रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। और मोस्टली जो रिक्वेस्ट आई है वो है संबलपुरिया म्यूजिक से, क्योंकि मतलब मेरे सब्सक्राइबर लग रहे हैं ज्यादातर संबलपुरिया ही गाने सुनते हैं, क्योंकि भैया सुने भी क्यों ना, इतना प्यारा म्यूजिक इंडस्ट्री है ना कि तुम एक बार सुनोगे ना तो फैन हो जाओगे भैया। क्योंकि मैंने जो 2-3 गाने सुने ना स्टार्टिंग के, तभी मैं फैन हो चुका था। तो भैया देखते हैं, वीडियोग्राफी तो तगड़ी होगी, म्यूजिक भी तगड़ा होगा भाई, काफी एक्सपेक्टेशन हाई है मेरे। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है ये गाना, क्योंकि मैंने इससे आज से पहले कभी नहीं सुना ये गाना। तो चलो देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, 3-2-1 लेट्स गो। जीत सोना ऑफिशियल, ओके जीत सोना ऑफिशियल, जीत सोना ऑफिशियल, नो भाई साहब I love that music। मतलब ये म्यूजिक जो है, ठीक है, ये काफी साउथ इंडियन थोड़ा वाइब दे रहा है, ठीक है, मतलब साउथ का साइड का, एंड देन फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा मेलेडिक जो उसमें डाला गया है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स कराया गया है भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करा गया है। मतलब बहुत भाई मैंने ये म्यूजिक सुना भाई, अचानक से लगा भाई ये क्या था, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करा गया है। मतलब साउथ का और थोड़ा बहुत लव का जो कॉम्बो डाला गया, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करा गया है। और गाना स्टार्ट हुआ है अच्छी तरीके से, बहुत ही मेलेडी से स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं सेट, मतलब मुझे लोकेशन काफी तगड़ा लगा भाई, लोकेशन कहाँ की है कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है क्या, अगर जानते हो तो बताना जरूर। चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है। रंग तो भाई ये लाइन बड़ा सेक्सी था, रंग तो रस्सी के लिए फंसी के लिए भाई, वो बहुत कितनी अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करा गया ना, मतलब एक लगता है ना कि एक धागा है जो कि ऐसे लपेट रहा लपेट रहा लपेट रहा भाई। इतना प्यारा लैंग्वेज है ना ये संबलपुरिया, बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है कि तुम्हें मतलब बोलने पे एकदम अलग सा एक ब्लेंड पता चलता है और बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में। चलो आगे देखते हैं। मस्त से म्यूजिक काफी अच्छी तरीके से कंपोज कराया गया, ठीक है, म्यूजिक इतनी अच्छी तरीके से कंपोज कराया गया, मतलब तुम बिलीव करो कि ये गाना ना एक तरह से बोले तो रोमांटिक है, थोड़ा फील गुड वाला गाना है, बट इसको जिस तरीके से मतलब एक थोड़ा वो टच दिया गया वो वाइब और पार्टी वाला, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से टच दिया गया। और वो जो बूम जो वो चलता है ना साउथ में, तुम साउथ की पिक्चरों में देखते होगे बूम जब विलेन एंट्री लेता है, तो वैसा वाला एकदम वाइब रखा गया, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत मतलब मुझे काफी अच्छा लगा कंपोजिशन। चलो आगे देखते हैं। मुझे
Oh fuck! I love this transition, man. I love this transition. मतलब तू start with romantic, ठीक है, and then फिर जो एक पॉप वाला कल्चर में गया, ठीक है, कि वो पॉप जो डांस बीट्स होते हैं उस तरीके से गया, एंड देन फिर सडनली ट्रांजिशन हुआ देसी में. ब्रो जो भी कंपोजर है भाई, तुमने तगड़ा काम करा है, ठीक है, तुमने तगड़ा काम करा जिस तरीके से तुमने ट्रांजिशन किया है ना ये चीज को. आई लव्ड इट मैन, आई लव्ड इट. कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा ट्रांजिशन था ये, और बहुत मतलब तगड़ा लगा. मैं चैनल वो व्हाट द हेल मैन, बहुत ही तगड़ा था ये, मतलब बहुत ही अच्छा. चलो आगे सुनते हैं. और देखो भाई, ये जो एक्टर है ना, ठीक है, एक्ट्रेस को तो मैं काफी मतलब इनके गाने रिएक्ट करे हैं, ठीक है. इनका जो अभी लेटेस्ट जो मतलब हिट गाना था वो था चूड़ी पायल, और इनके काफी सारे गाने हिट रहे हैं. मतलब ये एज अ मुझे लगता है कि ये जो एक्ट्रेस है ना, ये एक फीमेल फैक्टर हो जाती है गानों को लेके. ये लड़की का बात मैंने पहली बार देखा है, ये जो हीरो है इनका पहली बार देख रहा हूँ, पर काफी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है दोनों में, बहुत ही तगड़ा. ऊपर से लोकेशन काफी तगड़ा है. लोकेशन कहाँ का है यार, बताओ जल्दी. लोग जो भी जानते हो, अगर तुमने देखा है ये, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि ये लोकेशन है कहाँ का. चलो आगे सुनते हैं. मतलब भाई, एक गाने में तुम पूरे इंडिया का दर्शन कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो एंड वाला सीन था ये था गुजराती से, ठीक है, मतलब गुजराती साउथ, और भाई जो मतलब सभी का कॉम्बो कराया गया, और जो कि काफी अच्छी तरीके से. भाई इनका म्यूजिक किसने दिया है, म्यूजिक कंपोज भाई रमेश कुमार है, ठीक है, रमेश कुमार क्या होता है भाई, रमेश कुमार, ठीक है. खैर तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है उन्होंने, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक दिया, काफी अच्छी तरीके से वेरिएशन है, काफी अच्छी तरीके से ट्रांजिशन डाले गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है तुम्हें सुनने में, और तुम्हें ऑड नहीं फील होती है, ठीक है. संबलपुरिया गाने का यही बात होता है, यही मैं यही खासियत की बात करता हूँ संबलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री की, ये काफी परफेक्ट इंडस्ट्री है. मतलब तुम इनके लिरिक्स सुन लो, इनकी म्यूजिक सुन लो, मतलब इनके कंपोजिशन सुन लो, इनके सिंगर सुन लो, कोई भी तुम्हें ऑड नहीं लगेगी. प्लस में वीडियो प्रोडक्शन भी काफी अच्छी रहती है, ठीक है, जो कि तुम्हें देख कर लगता है कि भाई एक मतलब अच्छी खासी म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो कि अभी तक उतने वायरल नहीं है, ठीक है, उतने लोग इसके बारे में नहीं जानते. इवन मैं भी जब रिएक्ट करता हूँ तो भाई मेरे दोस्त लोग मतलब कुछ जो सुनते हैं, जो कि भाई पॉप कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वो जब सुनते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये कौन सा म्यूजिक इंडस्ट्री है, काफ़ी तगड़ा है. और जब वो गाने सुनते हैं तो भाई वो भी फैन हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी दो तीन मेरे वीडियो देख कर मेरे दो तीन दोस्तों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा कि भाई ये म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी तगड़ा है ब्रो, मैंने पहली बार सुना तुम्हारे वीडियो को देख के, पर भाई बहुत तगड़ा है, क्योंकि भाई सच में बहुत तगड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री है, और काफ़ी अच्छी इनके गाने रहते हैं. मतलब सुनोगे तुम तो सुनते ही रह जाओगे, ऐसा वाला है. कोई कोई गाने तो ऐसे होते हैं कि भाई खत्म ही ना हो, ऐसा वाला सीन रहता है, और वो लूप में चलते हैं. तो भाई मुझे काफ़ी पसंद है ये म्यूजिक इंडस्ट्री, और उससे ये गाना मुझे सजेस्ट करा गया मेरे कमेंट सेक्शन में. एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि भैया सुन को सुन रहे इसका रिएक्शन कीजिए, तो भैया ये रहा वीडियो, तुम भी कमेंट करो कि भाई तुम्हें कौन सा गाने पे रिएक्शन वीडियो चाहिए, फिर हम वीडियो बनाएंगे जल्दी से जल्दी, और फिर वीडियो आपको मिलेगी. अभी तो लगातार 3-4 वीडियो हम लोगों ने खाली कमेंट्स पे ही बनाए हैं,
तो भाई इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। मुझे ये गाना बहुत पसंद आया और तुम बताओ जाकर, अगर तुमने नहीं सुना तो जाकर सुनो ये गाना, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। और भाई जाकर सुनो और बताओ कि कैसा है ये गाना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस गाने को लेकर, और क्या मेरा रिव्यू जस्टिफाइंग था या नहीं। जो भी कंप्लेंट्स है जरूर कमेंट में कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहो हमारे साथ, अपना प्यार दो हमें, क्योंकि भाई आपके प्यार की बहुत जरूरत है हमें, ठीक है। और कमेंट करो कौन से गाने पर रिएक्शन चाहिए, फिर वीडियो तुरंत मिलेगा। तो चलो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर से मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलो बाय, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।